एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, प्रिया रोहन का जो टॉपिक है ना, वो बहुत लंबा खिंच गया। मतलब मैं अब चाह नहीं रही थी कि मैं अब उनके ऊपर कोई भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि जो है प्रिया का बैकग्राउंड ख़राब है, प्रिया बहुत गलत है, प्रिया बार डांसर है, पता नहीं क्या क्या। मुझे तो बोलने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब यूट्यूब पर तुम आए हो, यूट्यूब पर तुमने उनकी वीडियो देखी और तुम्हें उनका बैकग्राउंड पता चल गया। ऐसे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। वो क्या है क्या नहीं है अपनी ज़िंदगी में, वो उनका वो है और रोहन जानता है। आप लोग क्यों उसके बारे में गलत फलत बोल रहे हैं? आप लोगों को क्या है? मतलब लोग कह रहे हैं कि रोहन जो है प्रिया को इसलिए छोड़कर गया है कि उसको पता चल चुका था कि प्रिया का बैकग्राउंड ख़राब है। तो मतलब प्रिया से उसने शादी की और वो भी लव मैरिज, तो क्या उसे तब पता नहीं चला था कि वो बैकग्राउंड ख़राब है, या मतलब प्रिया ये है प्रिया वो है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया से कल रोहन की बात हुई थी फ़ोन पर, तब तो कुछ ऐसा लगा नहीं था कि रोहन इसलिए प्रिया को छोड़कर गया है कि जो है प्रिया का बैकग्राउंड ख़राब है। वो तो साफ साफ ये चीज़ कह रहा है। सिर्फ उसका कहना ये है कि तुमने अपने भाई को पैसे क्यों दिए मुझसे पूछे बिना, और दिए तो अब तुम पैसे वापस लो, फिर तुम घर आ जाओ। तो वो साफ साफ ये चीज़ कह रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ना प्रिया गलत है ना रोहन गलत है। रोहन का भी कहना ठीक है कि प्रिया ने गलत किया था कि वो अपने हस्बैंड को बनाए बिना बताए उसने पैसे दिए। और दूसरा कि प्रिया जो है, चाहे वो कैसी भी थी, जो भी थी वो थी, अब वो जो है एक पत्नी है, माँ है, और अब उसके बच्चे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों का जो घर है वो बिखरे नहीं, ये लोग एक हो जाएं, क्योंकि बच्चे को जो है ना माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। और अब दोनों ही जब अलग अलग हो जाएंगे तो किसकी ज़िंदगी ख़राब होगी? इन दोनों की तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में उस बच्चे की भी होगी। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करिए कि मतलब प्रिया ये है प्रिया वो है। आप लोग जो है ना यही कोशिश कीजिए कि रोहन और प्रिया एक हो जाएं। और रोहन जो है गुस्सा है सिर्फ प्रिया से, बाकी उसके मन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बात करने पे पता चल रहा था कि बस रोहन इस बात पे नाराज़ है कि प्रिया ने अपने भाई को जो है पैसे दे दिए उससे पूछे बिना। बाकी रोहन के मन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन पर जब वो बात कर रहा था तो उसका बार बार यही टॉपिक था कि तुमने पैसे दिए और तुमने इल्ज़ाम मेरी माँ पर लगा दिया। तो वो चीज़ उसको गलत लगी कि उसने इल्ज़ाम अपनी माँ पर लगा दिया। और वो साफ साफ ये बात भी कह रहा है कि तुम अगर मुझसे कहती तो शायद मैं पैसे देने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि बच्चे का सवाल था। तो आप लोग ये चीज़ देखिए ना, किसी को भी गलत ना कहिए, क्योंकि YouTube पर हम लोग सभी लोग एक दूसरे से अनजान हैं। सिर्फ वीडियो देखकर हम ये चीज़ नहीं जान सकते कि वो गलत है या वो गलत है। नेचर और गलत है भी, आप लोग अगर उससे जानते भी हैं तो वो उसकी पिछली ज़िंदगी थी, अब जो है उसे संवारने की कोशिश कीजिए बस फ्रेंड। और अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ ये है कि बस प्रिया की जो ज़िंदगी है वो वापस से शुरू हो जाए और रोहन उसको ले जाए। तो देखते हैं, प्रिया अपने भाई को जो है कहती है तो उसका भाई पैसे दे देगा, तो फिर उसके बाद में जो है वो अपने घर चली जाएंगी।